अबाउट द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। प्यार के गिरी सिल्क एंड सारी। दापोर में स्कूल ऑटो पलटी होने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। यादगिरी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर तालुका के प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से भरा ऑटो शाहपुर स्टेट हाईवे पर पलटी हो गया, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी। बताया जा रहा है स्कूल से वापस घर जाते समय स्टूडेंट से भरा ऑटो शाहपुर स्टेट हाईवे पर पलटी हो गया और ऑटो ड्राइवर फरार। ये घटना 10 सितंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे घटी, जब ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में 15 से ज्यादा बच्चों को भरकर DDO स्कूल से वापस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। शाहपुर स्टेट हाईवे पर ऑटो पलटी हो गया, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। उन्हें शाहपुर सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आए दिन रोड दुर्घटना होती जा रही है। स्कूल ऑटो में 15 से 20 बच्चों को भर भर कर ले जा रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि इस तरह से अपने बच्चों को ऑटो में भेड़ बकरियों की तरह भर कर ना भेजे, वरना इस तरह के हादसे हो सकते हैं। पुलिस और RTO डिपार्टमेंट द्वारा पहले ही प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड BCA कॉलेज एडमिशंस आर ओपन, मसल मास्टर फिटनेस क्लब फॉर मेन एंड वुमन। ऑटो ड्राइवर, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स को सूचित किया गया है कि एक ऑटो में 6 से ज्यादा बच्चों को ना भेजे और ड्राइवर के साइड सीट पर बच्चों को ना बिठाए। चंद रुपए बचाने के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों की जान दांव पर लगा रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना करें और जिस ऑटो में 6 से ज्यादा बच्चे हो उस ऑटो में ना भेजे। कोई कलेशा नमस्ते, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿ, ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದೆವು। ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು, ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ। ಐಎಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆನ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು।